चुनावी साल में डिप्टी सीएम टीएन सिंहदेव का एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है, जिसके चलते सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में टीएन सिंहदेव का एक और बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल कोटा क्षेत्र के प्रवास में आए सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में दोहराया कि कांग्रेस को कांग्रेस ही जिता सकती है और कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा भी सकती है, लेकिन हम साथ रहेंगे तो कांग्रेस जरूर जीतेगी। मेरे मन में जो बातें रहती हैं मैं वही बोलता हूँ। कांग्रेस को हराने के लिए फिलहाल दूसरी पार्टी की उपस्थिति मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जीतेगी, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। सब मिलकर लड़ेंगे तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाएगा। आगे सिंहदेव ने जोगी परिवार के कांग्रेस में आने की संभावना पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग जो जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए थे वो अब कांग्रेस में वापस आ गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जोगी परिवार के कांग्रेस में आने की कोई संभावना नहीं है। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस का नाम जुड़ा रहा, इसलिए रेणु जोगी भी पिछली बार कोटा से जीती थी। पहले लोगों को लगा वो किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। वर्तमान में नए उम्मीदवार की तरफ लोग देखेंगे। जो स्थापित सरकार है, जिसने काम किया, उसको पहचानेंगे। ये संभावना नहीं है कि किसी दूसरे दल के साथ सरकार बनेगी। क्लियर मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे।